मरांडी को चकमा दे पाएंगे या नहीं, आइए देखते हैं। फिलहाल सुरेश बासी का ये सॉफ्ट नंबर 10 खेल के दरमियान अपोनेंट टीम को धूल चटाने वाले ये खिलाड़ी, अपोनेंट टीम के किले को ध्वस्त करने वाले ये खिलाड़ी, आइए फिलहाल पेनाल्टी शूटआउट। चलिए आगाज कर दिया है, बता दिया है उनके अंदर कितना दम है और खाता खुल गया है इस समय गॉडफादर का। बेहद ही अच्छे अंदाज से खेल रहे थे ये खिलाड़ी, आइए फिलहाल इस शॉट्स को देखते हैं। चलिए इसी बीच इन्होंने भी बता दिया है कि चार्टर सेरा में भी ऐसे ऐसे शूटर हैं जो बॉल को गोल में तब्दील कर सकते हैं। फिलहाल पहला गोल आता हुआ इस समय ट्राइबल सेना का। जर्सी नंबर 6 नरेश मुर्मू, बेहद ही खूबसूरत गोल। इसी बीच शॉट्स के लिए सुमित्रा बरसेना की तरफ से अर्जुन हेम्ब्रम, बेहद ही कलात्मक शॉट और इसी के साथ ट्राइबल सेना का ये फिनिशिंग गोल आता हुआ गॉडफादर की तरफ से तीसरा। जर्सी नंबर 2 अनूप मुर्मू, लेफ्ट आउट के सबसे तेज रन वाले खिलाड़ी, फिनिशिंग शॉट आता हुआ। गोलकीपर बॉल को जज कर लिए थे अविनाश हास्ता, ट्राइबल सेना के अगले शूटर नंबर 4 के शूटर अविनाश हास्ता, नंबर 7 पहने खिलाड़ी। बहुत ही सुंदर और फिनिशिंग शॉट आता हुआ इस समय ट्राइबल सेना की तरफ से। अब नंबर 4 के शूटर जाएंगे इस समय गॉडफादर की तरफ से। सौरभ, पिछला मैच में इनका रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो काफी ताकतवर शॉट के लिए जाने जाते हैं सुनील, देखना होगा इस शॉट में क्या कुछ लगते हैं। इसी बीच दोनों ही टीम 3-3 गोलों के साथ फिलहाल बराबरी पर, चाहे बल सेना 3 जबकि गॉडफादर 3।
गोलकीपर निकल गए हैं अनिल बास्की ट्राइबल सेना की तरफ से। बहुत ही बेहतरीन लगातार गॉडफादर की तरफ से जोगेंद्र सोरेन कि ये मैच उस मोड़ पर चला जाए। फिलहाल आइए जर्सी नंबर 12 जोगेंद्र सोरेन। चलिए इसी बीच यहां खेल को जीत लिया है ट्राइबल सेना की टीम ने और महिला पॉलिटेक्निक के छत में देखा जा रहा है कि ट्राइबल सेना के